नमस्कार विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था डाइकोट प्लांट, जिसमें सरसों का अध्ययन किया था। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का जो अगला चैप्टर है मोनोकोट प्लांट अर्थात एक बीज पत्री पादप प्याजी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्याजी एक रबी का खरपतवार है। रबी अर्थात गेहूँ, जौ, इन पादपों में हमने देखा होगा कि एक प्याज के समान छोटी संरचना वाला लगभग 1 या 2 फीट ऊपर ऊंचाई वाला पौधा उगता है और जिसको हम प्याज के समान देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल नेम अर्थात इसका सामान्य नाम क्या है। सामान्य नाम हो गया प्याजी। प्याजी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी संरचना ठीक प्याज के समान होती है, इसकी पत्तियां भी प्याज के समान होती है, तो इसे प्याजी नाम दिया गया। इसके बाद में इसकी फैमिली अर्थात इसका कुल, कौन से कुल से बिलोंग करता है ये? यह है लीली एसी कुल। इसके बाद में इसका वानस्पतिक नाम बोटेनिकल नेम। प्याजी का वानस्पतिक नाम है एस्पोडिलस टीनोइफोलियास, ये हो गए इसके जनरल नेम प्याजी हो गया, फैमिली लीलिएसी हो गया, बोटेनिकल नेम हो गया एस्पोडिलस टीनोइफोलियास। इसके बाद में हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसका आएगा मूल तंत्र, रूट सिस्टम। मूल तंत्र, इसमें जो प्याजी के अंदर जो मूल पाई जाती है वो अपस्थानिक रेशेदार मूल पाई जाती है, अपस्थानिक रेशेदार मूल। इस मूल के अंदर जो मुख्य जो मूल होती है वो अल्प विकसित होती है और ये कुछ समय पश्चात नष्ट हो जाती है। उसके पश्चात छोटी छोटी धागे नुमा रेशेदार मूलें इसके सहारे निकलती है, जिसे हम अपस्थानिक रेशेदार मूल बोलते हैं। यह अपस्थानिक रेशेदार जो मूल है वो एक संपूर्ण अपस्थानिक रेशेदार मूल तंत्र का निर्माण कर लेती है। उसके बाद में सूट सिस्टम अर्थात परोह सिस्टम। परोह तंत्र के अंदर निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टेम यानी कि तना। अब चूंकि हमें पता है कि प्याजी एक वर्षीय खरपतवार है और ये बहुत ही दुर्बल पौधा होता है, तो इसके अंदर जो तना होगा इसका जो तना होगा अपहासित होगा, निर्बल होगा, दुर्बल होगा और भूमिगत होगा, अर्थात इसकी जो वृद्धि होगी वो भूमिगत होगी। इसका जो तना होगा वो होगा अपहासित निर्बल, अपहासित निर्बल और भूमिगत होगा। भूमिगत तना होगा अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसका तना भूमि के अंदर ही वृद्धि करता है। उसके बाद में हो जाएगा रूट, स्टेम के बाद में हो जाएगा लीव्स अर्थात पत्तियाँ। पत्तियाँ होगी वो होगी मूलज, मूलज पत्तियाँ होगी, पतली होगी, आगे से तीखी और बहुसिरीय समानांतर शिरा विन्यास।
देखिए जो प्याजी के अंदर जो पत्तियां होती है, मूलज, मूलज का मतलब है कि इसकी आकृति जो पत्तियों की होती है वो बीच में से खोखली होती है, आधारी भाग इसका चौड़ा होता है और आगे क्रमशः ये पतली होती चली जाती है, आगे से तीखी होती है। बहुश्रीय समानांतर शिरा विन्यास, इसका जो शिरा विन्यास होता है बहुश्रीय अर्थात बहुत सारी ये शिराओं में विभाजित होता है और समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। उसके बाद में फ्लावर यानी कि पुष्प। अब पुष्प की बात करें तो प्याजी में जो पुष्प होता है वो एक अपूर्ण पुष्प होता है। अपूर्ण पुष्प का मतलब होता है कि इसमें बाह्य दल और दलपुंज नहीं पाए जाते हैं, इसमें केवल बाह्य और दल और दलपुंज एक रूप में व्यवस्थित हो जाए होता है, जिसे हम बोलते हैं परिदलपुंज। तो इसमें जो पुष्प होता है वो होता है अपूर्ण, एक व्यास सम्मित, अर्थात इस पुष्प को समानांतर रूप से दो भागों में नहीं बांटा जा सकता है, एक व्यास सम्मित। द्विलिंगी, और सफेद रंग। तो पुष्प हो गया अपूर्ण, एक व्यास सम्मित, द्विलिंगी और सफेद रंग का। उसके बाद में पुष्प के अनेक भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है बाह्य दल और दलपुंज। चूंकि हमने अभी बताया है कि बाह्य दल और दलपुंज इसमें नहीं पाया जाता है, उसके स्थान पर इसमें क्या पाया जाता है, परिदलपुंज। परिदलपुंज को इंग्लिश में बोलते हैं पेरिएंथ, परिदलपुंज। परिदलपुंज होता है संख्या में 3+3 यानी कि स्वतंत्र। उसके बाद में परिदलपुंज के बाद में एंड्रोसियम, इसमें दलपुंज भी नहीं पाया जाता, इसके बाद में एंड्रोसियम। अर्थात पुमंग, पुमंग जो होते हैं वो भी संख्या में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 3+3। और इसमें एक अतिरिक्त विशेषता पाई जाती है, उसको बोलते हैं दल लग्न। तो ये परिदल से लगा होगा इस कारण इसको बोलेंगे परिदल लग्न। उसके बाद में जायांग, जायांग को इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोसियम, गाइनोसियम। जायांग इसका बहुअंडपी या त्रिअंडपी बोलते हैं। देखो संख्या यदि 2 से अधिक हो तो उसे बहुअंडपी भी बोल सकते हैं या त्रिअंडपी बोलेंगे। तो कहने का मतलब इसके जो जायांग है उसमें अंडपों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, त्रिअंडपी। और ऊर्ध्ववर्ती, ऊर्ध्ववर्ती इसका जायांग हो गया त्रिअंडपी ऊर्ध्ववर्ती। उसके बाद में पुष्प चित्र या फ्लोरल फॉर्मूला। पुष्प चित्र की बात करते हैं, सबसे पहले बाह्य दल और दलपुंज इसमें अनुपस्थित थे, तो इसमें केवल क्या पाए जा रहे हैं, परिदलपुंज। परिदलपुंज की जो संख्या थी वो थी 6। ये बन गए इसके परिदलपुंज 3+3। ये हो गए परिदलपुंज। उसके बाद में एंड्रोसियम यानी कि पुंकेसर कितने थे, पुंकेसर संख्या में 6 थे, 1, ये दूसरा पुंकेसर हो गया, ये 3,
होशियार ये छह पुंकेसर और ये हो गया त्रिअंडपी। उसके बाद में इसके पुष्प सूत्र फ्लोरल फॉर्मूला। सबसे पहले इसमें आएगा EBR। EBR का मतलब होता है एसिमाक्षी। उसके बाद में अभी हमने देखा था कि पुष्प होता है वो एक व्यास सममित होता है, तो इसको या तो ऐसे निशान लगाओ या फिर इसके प्रतिशत का निशान लगेगा। उसके बाद में बाह्य दल और दलपुंज इसमें अनुपस्थित थे, इसके स्थान पर क्या पाया जा रहा था, परिदलपुंज। परिदलपुंज को इंग्लिश में पेरिएंथ बोलते हैं, तो इसको पी से नामांकित करते हैं। तो परिदलपुंज है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि 3+3 है, स्वतंत्र है। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम का मतलब है कि पुंकेसर कितने हैं संख्या में, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 पुंकेसर हैं। तो 3+3, तीन तीन जुड़े हुए हैं तीनों परिदलपुंज से। अब इसके स्थान पर ये हम देखते हैं कि इसमें जो पुंकेसर हैं वो परिदलपुंज से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ये निशान लगा देंगे, इसको बोलते हैं परिदल लग्न। उसके बाद में जायांग, जायांग में अंडपों की संख्या गिनेंगे 1, 2 और 3, यानी कि 3 त्रिअंडपी या बहुअंडपी। नीचे ऊर्ध्ववर्ती है, ऊर्ध्ववर्ती का मतलब क्या है कि अंडाशय तो है ऊपर और बाकी जो अन्य भाग हैं वो सभी निचले छोर से निकले हुए हैं, इसे बोलते हैं ऊर्ध्ववर्ती। इस प्रकार ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला यानी कि पुष्प सूत्र हो गया। EBR का मतलब होता है एसिमाक्षी, एक व्यास सममित, और एक यहाँ पर आएगा इसमें जो द्विलिंगी। उसके बाद में परिदलपुंज 3+3, एंड्रोसियम 3+3 और जायांग हो गए त्रिअंडपी या बहुअंडपी ऊर्ध्ववर्ती। इस प्रकार ये जो एक बीजपत्री का उदाहरण हमने देखा है प्याजी। धन्यवाद।